नमस्कार छात्रों, लोकमान्य गुरुकुल टिळक नगर शिक्षण प्रसारक मंडळ डोंबिवली, सातवीं कक्षा हिंदी विषय, मैं सौ वैशाली प्रशांत कदम आप सभी छात्रों का स्वागत करती हूँ। संज्ञा, संज्ञा के पांच भेद हैं। छात्रों, आज हम संज्ञा के पांच भेदों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा भेद है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भेद है भाववाचक संज्ञा, चौथा भेद है समुदायवाचक संज्ञा जिसे हम समूहवाचक संज्ञा भी कहते हैं, और पांचवा भेद है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो बच्चों, संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, पशु, पक्षी, वस्तु, स्थान, गुण, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो अभी हम शुरू करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की हम व्याख्या जानेंगे। सबसे पहले, किसी विशेष प्राणी, स्थान, व्यक्ति, वस्तु इत्यादि के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ताजमहल आगरा में स्थित है, गंगा हिमालय से निकलती है। देखिए बच्चों, मैंने आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा की व्याख्या क्या बताई है कि किसी विशेष प्राणी, स्थान, व्यक्ति, वस्तु इत्यादि के नाम को क्या कहेंगे? हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। तो मैंने क्या कहा, उदाहरण मैंने क्या बताया? पहला, ताजमहल आगरा में स्थित है, और दूसरा मैंने वाक्य बताया, गंगा हिमालय से निकलती है। तो ऊपर लिखे वाक्यों में ताजमहल आगरा, दूसरे वाक्य में गंगा हिमालय, किसी एक विशेष वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम है। तो इसीलिए यह हो गई व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए, व्यक्ति मतलब भगत सिंह, प्रेमचंद, रीमा, कोई भी व्यक्ति का नाम। स्थान, कावेरी, दिल्ली, चंडीगढ़। वस्तु, ताजमहल, लाल किला, यह वस्तु है। तो अभी हमने जानकारी प्राप्त की व्यक्तिवाचक संज्ञा की। दूसरी संज्ञा है जातिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की पूरी जाति या वर्ग का बोध कराते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा। तो देखिए उदाहरण, एक कुत्ता एक वफादार जानवर है, दोन बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। जैसे कि बच्चों, मैंने आपको अभी जातिवाचक संज्ञा की व्याख्या क्या बताई, जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की पूरी जाति या वर्ग का बोध कराते हैं। तो ऊपर लिखे वाक्यों में कुत्ता, जानवर, बच्चे, फुटबॉल, इन शब्दों से उनकी पूरी जाति का बोध होता है, इसलिए हम उसे क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा। प्राणी, मोर, पक्षी, आदमी, छात्र, यह हो गए प्राणी। वस्तु, पुस्तक, हवाई जहाज, कुर्सी। स्थान, शहर, नदी, रेगिस्तान, विद्यालय। तीसरी संज्ञा हम जानेंगे भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के गुण, दोष अथवा दशा का बोध होता है, वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे देखिए उदाहरण, सबसे प्रेम करो, कश्मीर अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है, बुढ़ापे में स्वास्थ्य खराब होने लगता है। ऊपर लिखे वाक्यों में प्रेम, सुंदरता, बुढ़ापा, स्वास्थ्य ऐसे शब्द हैं जिनसे किसी प्राणी, वस्तु या स्थान के गुण, दोष या भाव प्रकट होते हैं। अभी भाव देखिए, परोपकार, दयालुता, अहिंसा, प्रेम, शांति, यह हो गए व्यक्ति के भाव। अभी गुण कौन से है? तो गुण और दोष कौन से है? बुद्धिमानी, मूर्खता, चतुराई। अवस्था, अवस्था कौन सी है? बचपन, बुढ़ापा, यौवन, यह अवस्था हुई। और स्वाद, खटास, मिठास,
यह हो गया स्वाद। अभी जानेंगे हम चौथी संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु, द्रव्य अथवा पदार्थों का बोध होता है उन्हें हम क्या कहेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए, सोना, चांदी, घी, तेल, दूध, सोना आदि। सोना शब्द यहाँ पर रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं, लेकिन द्रव्यवाचक संज्ञा आपके समझ में आई? जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु, द्रव्य अथवा पदार्थों का बोध होता है उसे हम क्या कहेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा। मतलब सोना, चांदी, यह हो गए धातु, घी, तेल, दूध, यह हो गए द्रव्यवाचक पदार्थ। ठीक है, उसके बाद पांचवी संज्ञा है समुदायवाचक संज्ञा, इसे हम समूहवाचक संज्ञा भी कहेंगे। जिन संज्ञा शब्दों से किसी समुदाय या समूह का बोध होता है उन्हें समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए, सेना, दल, कक्षा, झुंड, भीड़ आदि, यह हो गए समुदायवाचक संज्ञा। तो छात्रों, यह था आज का अपना संज्ञा के ऊपर आधारित वीडियो। तो बच्चों, यह वीडियो देखकर आप लोगों को आपके कॉपी में संज्ञा के भेद लिखने हैं। धन्यवाद छात्रों।